वैसे सनम जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. यू बीइंग अ सिंगर, आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन चाहत फतेह अली खान. ये सवाल क्या पूछ लिया आपने? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि जब से मतलब मुझे उनके लिए इज्जत है, चले वो मेहनत तो कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना सवाल है, तो अब जो रियल आर्टिस्ट है वो कहाँ जाए? अब वो कौन सा म्यूजिक सुनने वालों को सुनाए, क्योंकि उनके सुनने की सोच चेंज हो चुकी है. अब हम क्या सुनाए? मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं मुझे चाहत फतेह अली खान साहब की लाइव प्रोग्राम में फरमाइश ना आ जाए. अल्लाह यकीन माने तो मुझे दुख लगेगा. मेरे भाई हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके लिए गलत नहीं बोल रही. देखिए, हम सब जानते हैं, बल्कि ये लोग सब जानते हैं कि चाहत साहब सिंगर नहीं है, वो एक एंटरटेनर है. बस ठीक है ना, वो एंटरटेनर की कैटेगरी में रहे. उनको सिंगिंग से ना ही कंपेयर किया जाए तो बेहतर है. तब देखिए, उनको सुर ताल का पता नहीं है. सुर उठे जा रहे होंगे, ताल उठे जा रही होंगी, उन्होंने ताल उठे जा रहे होंगे. और फिर ऐसे कलामों को करना, ऐसे सॉन्ग को करना कि जिनको बड़े बड़े लोगों ने कर लिया है, आप सोचें. नहीं नहीं, हमें हमने बैन करवा दिया ना. हाँ जी, बैन करवा दिया. नहीं, तुसी उन्हें बुरा कहन ना लो. ये क्यों नहीं सोचते कि साड़ी आवाम किड्डी कूड़ है जेड़ी उन्हें पसंद करी जा रही है? वही ना, हमारी आवाम कितनी कूड़ है कि आपके बेटे को भी पसंद करी. सिलेक्ट कर ली क्या? आगे चलते हैं. कह रहे सिलेक्ट कर लिया है. अच्छा, अगर कहें कि भाई आप किसी सिंगर के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगी, तो दिल की कोई ख्वाहिश है ऐसी कि हाँ यार, मैं इनके साथ जरूर कोलैबोरेट करना चाहूंगी? एक रंग किया था मैंने सजाद अली के साथ, तो अगर मुझे मौका मिला तो फिर से मैं उनके साथ करना चाहूंगी. सजाद भाई के लिए नन्ही सी रिक्वेस्ट अगर जी, उसी रंग का जी. जी, क्या बात. पीर राखा थारे बनने को, सेना वाले बनने को, आवो रंग लागा, रंग लागा, ओ रंग लागा, ओ रंग लागा, रंग लागा, रंग लागा, रंग लागा. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. खातिन आज़ाद, आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ जो है वो उल्टी होती है. हमारे क्रिकेट का भी यही हिसाब है. हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, मगर होता कुछ है. प्लेयर्स हम लोग यहाँ आके बड़े नखरे दिखाते हैं, अपनी किंगशिप दिखाते हैं, अपनी ईगोज़ दिखाते हैं, लेकिन असल गेम जब आती है, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने की बारी आती है, तो ये वाकई अपनी औकात दिखा देते हैं. हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस ये लोग तबाह कर चुके हैं कि वाकई अब क्रिकेट देखने का भी दिल नहीं करता और इनको क्रिकेटर्स मानने का भी दिल नहीं करता. सब स्टैंडर्ड क्रिकेट हो चुकी हुई है हमारी, और एक से एक बढ़ के सिफारशी, एक से एक बढ़ के पॉलिटिशियन हमारी क्रिकेट में आ चुका है. अल्लाह करे कि वो दिन आए जब सर्जरी से इन सबको रिमूव किया जाए और एक नई स्टैंडर्ड जो डिज़र्व करते हैं लोग, वो हमारी क्रिकेट टीम में आए और हमारी क्रिकेट टीम भी इतनी वर्दी हो कि वो अपने स्टैंडर्ड पे आके जो पहले हमारे क्रिकेटर्स होते थे उस तरह खेलना शुरू करें. लेकिन बट जी, आप ये भी तो नोट करें, नसीम शाह ने कितना अच्छा खेला ना. एक दो प्लेयर्स वाकई ही डिजर्विंग हैं हमारी टीम में, मगर एक दो प्लेयर्स से टीम नहीं बनती. 26 करोड़ अवाम है, 26 करोड़, वहाँ से 16 लोग सेलेक्ट होते हैं. तो यू हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. और अगर आप नहीं हैं, दैट मीन्स कि आप क्रिकेट नहीं, आप पैसा कमाने आए हैं. लेकिन बट जी, ये जो काकुल में इन्होंने ट्रेनिंग की थी, क्या उसका कोई फायदा नहीं हुआ फिर? वो काकुल की बजाय वो कुकुकूल हो गए. नो कमेंट्स ऑन दिस मैटर. बट जी जी, हेलो, कैसे हैं? मैंने आपको कहीं देखा हुआ, आप जाने बचाने लग रहे हैं. 92 के सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस लगता आप भूल गए. मेरी परफॉर्मेंस चाहे भूल जाएं, लेकिन मेरे बेटे की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी सदियों तक याद रखेंगे. मैं आजम खान का बाप हूँ. मोइन साहब जी, अरे कैसे हैं? मेरे बेटे के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है. एक्सक्यूज मी, उसका कैरियर अभी शुरू भी नहीं हुआ और वो खत्म कर दिया गया. ये साजिश है, साजिश है. अबे शर्म करें कुछ, यहाँ वो गली मोहल्ले की टीमों में छक्के मार देता, वहां जाके वो कख भी नहीं करता. यही तो साजिश हुई है मेरे बेटे के खिलाफ. चंगा पला लीगां खेल रहे सी, पैसे कमा रहे सी, किसी ने साजिश करके उन्हें बड़ी टीम च भेजे है ताकि उसका कैरियर खत्म हो जाए. अजीब बात कर रहे हैं आप. ऐसे लोग तो तरसते हैं कि उनके बच्चों को नेशनल टीम में खेलने का चांस मिले. बड़ा तेरा शाहीन अफरीदी ते यॉर्करर का मुंह है. मैं भी यही कह रहा कि मेरे बेटे का सारे नु पता सी कि उदा पिंडा यानी उदा जिस्म इंटरनेशनल टीम वाला नहीं, लेकिन लोगों ने मेरे बेटे नाल चेजा कीता है, चेजा कीता है. लेकिन तुम्हारे शो में मैं ये सुराग लगाऊंगा कि मेरे बेटे के साथ
साजिश किसने की है। अच्छा तो आप बैठना चाह रहे हैं यहाँ? यस, बैठ के बात करें। वहाँ जाके बैठ दें। अच्छा चले आए, अब आए इस जगह बैठ जाते हैं। हेलो म्यूजिशियंस, कैसे हैं? खैर ख़वातीनों हज़रात, जहाँ हम लोग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं मौसीकी के अंदर, वाकई इनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। ऐसी आवाज़, ऐसी सुरीली आवाज़, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ऐसी खूबसूरत और आजी आवाज़ इनकी है कि जब ये गाती हैं तो रूह को छू जाती हैं। आज हम सबका मूड बेहतर करने के लिए आ रही हैं, प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली सनम मारवे। क्या बात है सनम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं पहले ये रिकॉर्ड पे बताना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि राग दीपक जो होता है वो पानी में आग लगा देता है, मल्हार जो होता है वो बारिश करवा देता है। कोई राग है चुल्लू भर पानी जो हम अपने क्रिकेटर्स को दे सकें? इजाद करना पड़ेगा, इजाद करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। अरे बेटे वर्गे 6-7 और इंट्रोड्यूस कराओ, आप भी पानी लगते फिरेंगे। नहीं वैसे उसको पानी की जरूरत है। एक कल एक मैंने क्रिकेटर देखा जो काफी हैवी, और वो इनके बेटे हैं। वो आपके बेटे हैं? जी मेरे बेटे। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं वो इनकी वजह से टीम में आए, मैं सबको पता है। सॉरी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पैर से पैर रख गया या तुम्हारी जूती पा के दही लैंड चला गया? सॉरी मुझे करना चाहिए पूरी कौम से कि मेरा बेटा वेटो निकल गया। हमने मौसीकी की बात कर ली, जरूर करो। तो मुझे बताएं कोई वाकई ऐसा राग है जो आपके इमोशंस, क्योंकि आप बड़े डिप्रेस होते हैं और पूरा मुल्क अभी डिप्रेस हुआ हुआ है जो हमारे साथ हुआ है, तो कौन सा ऐसा राग है जो वाकई मूड बेहतर कर सकता है? अमन बहुत खूबसूरत राग है और भैरवी भी बहुत अच्छा है। क्या खूबसूरत बात कही आपने। तो शाम का राग कौन सा होता है, जरा हमें अगर आप एक लाइन उसकी सुना दें। ये जो मोहब्बतों की, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। जब मिल गया था जिसकी तमन्ना थी कल रो, फिर किसकी आरज़ू में जिए जा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप। मैं कहता हूँ क्या आपने खूबसूरत गाया। बहुत कम अब ऐसे शायर रह गए हैं जो सूफी लिखते हैं जी। आपने जब ये गाना शुरू किया था उस वक्त आपकी फर्स्ट इंस्पिरेशन क्या थी जिसने आपको सूफी म्यूजिक से अट्रैक्ट किया? बीबी आबिदा जी। बट ये है कि मेरे अब्बा भी एक म्यूजिक टीचर हैं, सूफी म्यूजिक टीचर। बचपन से लेके हमने यही सुना कि उस्ताद आ रहे हैं, सीख रहे हैं। आपके अब्बा ने आप पे मेहनत की तो आप कैसा रंग लाई? और सब ने मेहनत नहीं की तो देखो डंग लाए। बट जी मैं आपसे सीनियर हूँ, आप छोटे भाई हैं, मैंने भी मेहनत की है। आपने अपने पे मेहनत की है सर, वो तो अगर उस पे मेहनत की होती तो नजर आता ना। मैं अगर आपको उसके बर्गरों का खर्चा बता दूं ना तो मेरे कॉर्नर प्लाट 82 होने थे। गेंद एडी खुशी ना ली फड़ता, जिड्डी खुशी ना बर्गर फड़ता। अच्छा मैंने सुना है वैसे आजम अच्छा गाता है। नहीं नहीं खाता अच्छा है। अच्छा आपको गाफ की आवाज आई है। आपको पता म्यूजिक अब इंडस्ट्री बदल चुकी है, हमारे म्यूजिक चैनल्स तो है ही नहीं, हमारे पास लेबल्स भी जो है आप सबने खुद संभाली, क्योंकि जब से यूट्यूब आया है हर बंदा सुपरस्टार बन गया जी। आपको क्या लगता है ये जो नया दौर आया है इसके अंदर वाकई ही कोई ऐसे सिंगर्स हैं जिनको आप देखती हैं कि हाँ यार ये आगे 10 साल में जाके बहुत बड़ा नाम बनेगा? नए तो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं बच्चे, जिसमें मासूम अनवर मुझे बहुत पसंद अच्छा। है इस्लामाबाद से डॉक्टर मासूम अनवर, वो लाइव प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा लाइव करती हैं। और भी हमारे बहुत अच्छे, जैसे कि हिना नसरुल्ला जी हैं, वो तो रेशमा जी को भी गाते जी जी। हाँ हाँ जी बिल्कुल, रेशमा जी को मासूम अनवर जी गाते। तो इस तरह से बहुत ज्यादा आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, पर ट्रैक का ज्यादा जो है ट्रैक का ज्यादा दौर आया हुआ है। आपको लगता है कि यूट्यूब अब बहुत जरूरत है, अब यूट्यूब के बगैर एक म्यूजिशियन का और एक सिंगर का गुजारा नहीं है? नहीं है गुजारा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी अपने अब्बा को ये बात समझा रही थी
कि अब YouTube जो है वो म्यूजिशियंस को पैसे देता है, आपने क्यों नहीं अपने कलाम दूसरे लोगों ने कर लिए, वो दूसरे पैसे कमा रहे हैं, तो सादे लोग हैं, उनको पता नहीं है। और इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं, मुझे भी अपनी बेटी से पता चला, मेरी बेटी 16-17 साल की, उसने मुझे बताया कि मम्मा ये जो आप सॉन्ग वैसे दे रही थी अपने यूट्यूब चैनल बनाए, और उसने मुझे चैनल बना के दिया। अगर आपको लगता है कि सूफी गाने वाला जो है वो वैसे ही अपने आप को लिमिटेड थोड़ा सा कर लेता है, जी ऐसे ही है बिल्कुल। अगर आप तो अगर चाहें तो आप सूफी के अलावा भी फिल्मों का, ड्रामों के गाने बड़े खूबसूरत गा सकती हैं। जी मैंने वो दिल मोम का दिया किया था, वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। बिल्कुल। तो ओएसटीज तो मैं करती रहती हूँ थोड़ी बहुत।